हेलो यर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो से हम अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि जनरली आपको इंटरव्यूज में या वाइवा में देखने को मिलते हैं जियोलॉजिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। एकेडमिक्स में जो आपकी प्रैक्टिकल्स होती है उसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट जॉब या पीएसयूज या कोई भी जियोलॉजी से रिलेटेड जो इंटरव्यू होता है उसमें यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इस सीरीज का ये हमारा पार्ट नंबर 11 है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो नजर डालते हैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं यूजुअली, जिनके ऊपर प्रैक्टिकल देखने को मिलता है या इंटरव्यू में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लिस्ट मैंने प्रोवाइड की हुई है, इसमें से हम यहाँ तक जो है कवर कर चुके हैं पहले वाली 10 वीडियोज में। तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके बाद एक लास्ट पार्ट इसका बचता है, जियोलॉजिकल फील्ड वर्क या आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई डेजर्टेशन करते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस यूजुअली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी के बारे में जनरल आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी क्या है, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग जियोलॉजी की अगर आप कोई भी बुक देखेंगे तो यूजुअली आपको उसमें एक जनरल जियोलॉजी का डिस्कशन देखने को मिलेगा, जैसे मिनरल्स, रॉक्स, सोइल या जो अलग अलग टाइप के जियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू आपको हर इंजीनियरिंग जियोलॉजी की बुक में देखने को मिलेगा। तो जनरल जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन यूजुअली इंजीनियरिंग जियोलॉजी के वाइवा में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ मटेरियल, बेसिकली जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी यूजुअली पूछने के चांसेस रहते हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी में, क्योंकि इंजीनियरिंग जियोलॉजी में मेनली हम स्ट्रेंथ से डील करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और आवाज़ आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि कोल्ड प्रॉब्लम है, बट मेरी कोशिश हमेशा की तरह यही रहती है कि कभी भी आपकी जो स्टडी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, वो हमारी चलती रहनी चाहिए, तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। ओके, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट जो है इसमें अटरबर्ग लिमिट के बारे में भी यूजली पूछा जाता है। अटरबर्ग लिमिट जो कि सोइल में जो वाटर कंटेंट होता है उससे रिलेटेड होती है अटरबर्ग लिमिट्स, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसमें प्लास्टिक लिमिट है या लिक्विड लिमिट है, ठीक है, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग जियोलॉजी से रिलेटेड वाइवा में आप अपीयर हो रहे हैं या उस टाइप के इंटरव्यू के लिए आप अपीयर हो रहे हैं। उसके बाद आता है कि जो हम अर्थ मटेरियल की जो टेस्टिंग करते हैं उसमें लैब टेक्निक्स कौन कौन सी है और इन सीटू टेस्टिंग कौन कौन सी है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें तो जो अर्थ मटेरियल है उसको दो प्रकार से मेनली यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग जियोलॉजी में। एक तो उसको हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, जो भी अर्थ मटेरियल हम ले रहे हैं, चाहे वो सोइल है या रॉक है, या तो हम उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करते हैं या फिर हम उसको एक बेड रॉक की फॉर्म में यूज़ करते हैं, फाउंडेशन की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस पर्पज़ से लैब टेक्निक्स और इन सीटू टेक्निक जो होती हैं टेस्टिंग की, कौन सी यूजफुल होगी या कौन सी हमें अप्लाई करनी होगी, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है या यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए कि लैब टेक्निक्स कौन कौन सी है और इन सीटू टेस्टिंग टेक्निक कौन कौन सी है। फिर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी आती है कॉमन रॉक्स की। कॉमन रॉक जो इंजीनियरिंग पर्पज के लिए जो मेनली इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं, जैसे बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, मार्बल है, स्लेट है, तो उस टाइप के जो रॉक हैं उनकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है या जो उसके वेदरिंग के अगेंस्ट जो बिहेवियर है, ठीक है, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे बेसाल्ट है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, उनको हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। उसके बाद जो अर्थ मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जब हम उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जब हम उसको फाउंडेशन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको फोकस करके चलना है। आफ्टर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल नॉलेज है उसको जो लार्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो ये यूजुअली जैसे लास्ट में आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिलोसफिकल या इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आपके माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रॉब्लम को आप किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है कि किस किस तरीके की एप्लीकेशंस है, जो इंजीनियरिंग जियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है एक इंजीनियर के लिए, ठीक है, तो वो उसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है और इस तरीके का आंसर जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी के बारे में ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहूँगा रहते हैं, यूजुअली इनके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, और जैसा कि मैंने लिस्ट दिखाई थी उसमें मैंने जो सब्जेक्ट चूज किए हैं उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और सब्जेक्ट है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, वो भी मैं इंक्लूड कर लूँगा।
ओके और नए व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका मेन फोकस रहता है जियोसाइंसेस के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना, कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स की हेल्प करना और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में एस्पिरेंट्स को अवेयर करना। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब के अलावा जो इसका फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल है और ब्लॉग है, इन सब के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देता हूँ, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो है इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हैं तो आप उसी के थ्रू इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जेपी बनवाला के नाम से फेसबुक पे मेरी आईडी, और फेसबुक के अलावा टेलीग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ। ये सारे लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देता हूँ, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमें एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। जय हिंद।